नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के पूरनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा अराजकता फैलाए जाने के दौरान योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं की हत्या व मंदिरों को ध्वस्त करने के विरुद्ध भारतीय बजरंग दल पूरनपुर द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। पूर्व सूचना के बाद भी अनुपस्थित मिले उप जिलाधिकारी तो आक्रोशित हो गए कार्यकर्ता। अनंत प्रशासन ने स्वीकार की गलती। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता कपिल पांडे के साथ। बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा पिछले काफी समय से वहां अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। वहां के प्रधानमंत्री भी देश छोड़कर भारत के अंदर शरण ले चुकी हैं, लेकिन भारत सरकार जिसने वहां के प्रधानमंत्री को तो शरण दे दी, लेकिन वहां का लाचार हिंदू वहां टारगेट करके मारा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उनको शरण देने वाला, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला भारत की सरकार भी नाकाम साबित हो रही है। इस विषय को लेकर आज हम लोगों ने भारतीय बजरंग दल पूरनपुर के कार्यकर्ताओं ने LIU को सूचना दी, SDM को सूचना दी कि आज हम लोग प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन आपके माध्यम से भेजने वाले हैं, जिसके माध्यम से ये मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा, उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ऐसी मांग थी। लेकिन ये पूर्व सूचना के बाद भी SDM साहब अपने ऑफिस में नहीं मिले, और तो और उनके द्वारा कोई भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार या उनका कोई भी नीचे स्तर का कार्य पदाधिकारी या अधिकारी भी हमारी समस्या को सुनने वाला नहीं मिला। 1 घंटे तक हम लोग यहाँ धूप में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, मांग करते रहे कि कौन वो अधिकारी, सक्षम अधिकारी है जो आकर के हमारा ज्ञापन ले। लेकिन इस पूरे परिसर के अंदर हमने घूम घूम कर देखा है, सारे अधिकारी नदारद है, कोई भी अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर SDM के खिलाफ नारेबाजी की है, हमने तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की है, और हम मांग करते हैं कि ऐसे संवेदनहीन अधिकारी जिनको समाज की चिंता नहीं है, जिनको देश और विदेश के अंदर हो रहे इतने संवेदनशील मुद्दों की चिंता नहीं है, जिनको अपने क्षेत्र के उन राष्ट्रभक्तों की चिंता नहीं है जो घंटों धूप में खड़े होकर उनके उनसे मांग कर रहे हैं, उनके लिए समय नहीं है। तो आखिर आप किस बात की नौकरी करते हैं? ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और इनकी जगह पर नए अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनके अंदर मानवता हो, जिनके अंदर संवेदनशीलता हो।